यहाँ कल क्या हो कृष्ण। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. देखने इसको शायरी भी ढूंढने लगे, इतने एफर्ट कहाँ से डालता है ये? भई यार ये बंदा कितना पकावर। सुन। आप समझते नहीं हो कैसे जी। शायद बढ़ के हम मस्ती कर रहे हैं, पता है फिर लोगों को लगता है ये थोड़ी ज़्यादा। लेकिन वो इसके साथ फिजिकली रहेगा ना तो मालूम चल जाएगा। टॉर्चर है ये, टॉर्चर। पूरा बराबर टॉर्चर है। आज दस्त क्या लगे, आप बेहाल हो गए, हक हक की फुल आपके लाल। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को। चुपके से मार के फोन रख दिया साइड में। चलो कैसा इंसान है यार तू, कैसा। 3, 2, 1 हेलो गाइस, कृष्णा व्यूज में आपका फिर से स्वागत है। मैं अभिषेक सैनी विजय देसवाल और कृष्णकांत के साथ हम आपके लिए नया कुछ प्रदर्शन करने के लिए आज लाए हैं। नेशनल कप पाकिस्तान पे आज हम रिव्यू क्या बोलते हैं रिएक्शन देने वाले हैं भाइयों। खैबर पख्तून, खैबर पख्तून के अंदर तो आज देखते जाइए आज क्या क्या देखते हैं। पिछली बार हमें नेशनल कप पाकिस्तान में मजा आए थे भाई, इस बार भी सोच रहे हैं। सीजन 5 का शायद एपिसोड 7 है, ठीक है। और हाँ, नेशनल पाकिस्तान से याद है, आप मसाले खाते हो ना उनके भाई, ऐसे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं यार, करो यार मजा आता है। मैंने तो अभी टेस्ट नहीं किया, भिजवा देना जब भी आओ तो पियो एंजॉय करो यार। नेशनल वाले को भी बोल देते हम लोग, नेशनल वाले हमको अगर देख रहे हो ना तो कुछ कुरियर वुरियर कर देना, कुछ टेस्ट कर लेते यार, है ना, थोड़ा इंडिया में इसकी नाम तो अच्छा लग रहा है नेशनल का पाकिस्तान। बस दो चार सैंपल भेज दो, मैं फ्री सैंपल हो तो आपके पास, हम फ्री के लिए। ये तो फ्री के लिए ना ही नहीं बोलता, इसको बोल देना भाई फ्री पढ़िए दो। पता नहीं हमारी वीडियो देखते भी है कि नहीं देखते वो लोग, ये भी यार, लेकिन एक दिन जरूर देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। और यार कोई ऑडियंस अगर हो तो जाके उनके पेज पे हमारे लिए डिमांड कर दो प्लीज मसाले। ये वाला बहुत तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी होती है ना, हम लोग आराम से और फुर्सत से वीडियो देखने वाले हैं, ठीक है। लोग बोलते हैं कि हम बीच में बहुत बोलते हैं, इससे ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, एक एक सीन को एंजॉय करेंगे, एंजॉय करेंगे, और जो भी कुछ है लास्ट में बोलेंगे। तो हियर वी गो, 1, 2, 3 एंड स्टार्ट। केपीके के शहर हरिपुर और चार सदर से होते हुए दिखाएंगे सवाल की खूबसूरत वादियां। अरे यार लोग खाने दिखाते हैं ना इसमें, भूख लग जाती है। सही, अभी तो लगी भी है मेरे को। वेलकम टू अनदर ग्रेट एपिसोड ऑफ नेशनल कप पाकिस्तान। इस एपिसोड में मैं आपको विजिट कराऊंगा पाकिस्तान के हसीन शहर, खूबसूरत वादियाँ, पहाड़, और खाएंगे वहाँ के चटपटे खाने। तो रहिए मेरे साथ, एंजॉय करें नेशनल के इस एपिसोड को। ये मैं खा रहा हूँ वो बाजार है जहाँ मुर्गियाँ मिलती हैं, और खास बात ये लग रही है बाजार में कि मुर्गियाँ देसी हैं, जो कि अब नापैद हो गई हैं देसी मुर्गियाँ। और इनकी जो एक मेक देख रहा हूँ मैं, बड़ी यूनिक सी है, वो अंडे वाली है या खाने वाली है? ये अंडे के लिए, ये अंडे के लिए जबरदस्त। अल्लाह यहाँ एक साहब है जो की शीशे पे आर्ट वर्क करते हैं, नहीं खाया, कपड़ों का काम करते हैं, ये भाई खा लो यार, लेट्स सी क्या है इनका टैलेंट, उसे एक्सप्लोर करते हैं। सर जी, आपका काम में देख रहा हूँ, बड़ा यूनिक काम है जी, मतलब मैंने बाजार में कभी नहीं देखा। बाजार में नहीं देते हैं हम, स्टॉल वगैरह लगाते हैं। वालदा जो कह रही हैं ये तो वो है पिलो कवर्स और बेडशीट टाइप के जी, ना? जी।
तो ये कपड़े आप स्पेशली बनवाते हैं इस काम के लिए या बाजार से ले बाजारों से लाते हैं जी। अच्छा। ये जो दर्जियों के पास बच जाते हैं ना कपड़े वगैरह यही ला के लगा लेते हैं। एक बात बताइए जी सर, काट के तो बहुत छोटा छोटा मिला, ये पैटर्न चिपकता कैसे? क्यों यहाँ जो मैं देख रहा हूँ जी, इनमें कोई मुझे गैप नजर नहीं आ रहा जी। गैप है ही नहीं, यही फन है जी। अच्छा, फन यही है, यही हमारा फन है। अगेन बहुत छोटे छोटे पैटर्न जो कि वो काट रही है और ये चिपका रहे हैं, लेकिन उसमें कोई गैप आपको महसूस नहीं हो रहा? लगता है वन पीस एक पैटर्न बना हुआ ग्लास या जहाँ पे भी लगा रहे हैं बॉटल्स में, जिस काम में आपका शौक हो अल्लाह ताला बड़ी कुदरत डालता है उस काम में बड़ा निखार आता है। तो ये जो चीज नजर आ रही मुझे, I think it's amazing. Na 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 na. मैं हूँ शुजा हैदर और ये है नेशनल का पाकिस्तान। मेरा जर्नी शुरू होता है इन वादियों से, इन खूबसूरत मनाजिर से। तो चले आए मिलते हैं यहाँ के खूबसूरत लोगों से, ढूंढते हैं कोई खूबसूरत आवाज़ इस हसीन पाकिस्तान में, हमारे नेशनल के पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैर जी। कोई म्यूजिशियन जानते हैं आप जो रबाब बजाता हो या कोई? नहीं देखा। सितार इधर का इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज समथिंग न्यू, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि के पी के में रबाब ज़्यादा बजाया जाता है। किसी ने मुझे बोला है कि सितार भी बजाई जाती है, विच इज़ फैंटास्टिक। अच्छा, ये जो आपका जो काम है कुलचे का जी, इससे नहीं खाई जाती है? नहीं नहीं, कुलचा और बकरखानी ये बेसिकली अमृतसर की आइटम है। अच्छा, ये इंडिया से चली है, अमृतसर से। अमृतसर वहीं आ गई ये बकरखानी, जिसने जात की है वो अमृतसर का रहने वाला है। अच्छा, खाना तो मैंने आपका खा लिया, लेकिन एक एक काम करना है। हाँ कि मैंने आपसे लेनी है ये बकरखानी। बिल्कुल आगे चागा खानी है और दूर में आप ट्राई करें। ये बनती है यहाँ की बकरखानी। दुकान जो है ना ये 1956 से। ओए ओए 1956 से। ये तो सर बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया। अब मैं बाकर खाने लेता हूँ, थोड़ी जगह छोड़ता हूँ, चाय के साथ वो खाता हूँ। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है ना सर। पहली बात तो ये बताएं मुझे कि ये पकवान कहलाता है। अच्छा, हमारे जहन में पकवान का मतलब है खाने वाने, और यहाँ पे पता चला इसका नाम ही पकवान है। तो क्या वजह है, कुछ बताएंगे? कुछ है कि क्या सौगात क्यों है? ये असल में एक ट्रेडिशनल हमारी डिश होती है। अच्छा, इसका नाम पकवान रखा है। ये सूजी में बना के आयल में या घी में जो है ना फ्राई करते हैं। फ्राई करते हैं। अरे ये है बकरखानी, हमारे यहाँ बकरखानी मीठी होती है, यहाँ नमकीन होती है। चाय में इसको डुबो दें और ये ऐसे खाई जाती है। मुलाकात होती है आपसे। इन्हीं की फोक ट्यून्स और इन्हीं के कल्चर से वाबस्ता कोई चीज़ ऐसी जो मुझे मिल जाए। इनसे मैं ये पूछूंगा कि एक तो ये लोगों के लिए बजाते हैं, जाहिर सी बात है उनकी खुशियाँ ये खुद भी शेयर करते हैं अपने मौसीकी के साथ, हमसे क्या शेयर करते हैं ये इनसे पूछते हैं, क्योंकि जो इनका जो दिल से आवाज़ निकलती है वो असर रखती है, और जो इनके साथ से आवाज़ निकलेगी दिल से वो भी असर रखेगी। तो कुछ वो सुनाएं जो दिल से निकले। अच्छा, ये बड़े अलाप के अंदाज में बजा रहा है, क्योंकि मेलोडी एज सच नहीं है, लेकिन बड़ा खुला फिल्मती में बजा रहा है। Down, down, down. Now rhythm comes in. कुछ भी हो लेकिन सुनने में अच्छा लगता है। वही सुनते रहो। Relax मतलब relax बोलते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा का झोंका है, और ये इसके दिल से ही निकली हवा, बहुत खूबसूरत है। रोक सकता हूँ?
अच्छा मैं कह रहा हूँ कि चलोगे मेरे साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, कभी देखा है रिकॉर्डिंग स्टूडियो? नहीं देखा। ओह दिस इज गोइंग टू बी हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस। अच्छा स्टूडियो में तुम्हें पता है कि ये वादियाँ नहीं है, और स्टूडियो में ये दरख्त नहीं है, ये हवा नहीं है, वहाँ पे कमरा होगा जिसमें तुमने ये नज़ारे लेके आने हैं, उस कमरे के अंदर ये सारे नज़ारे लेके आने हैं, लाओगे? बिल्कुल। आई थिंक आई गॉट इट। मेरे ख्याल में ये बड़ा प्रॉमिसिंग एक म्यूजिशियन है जो डेफिनेटली ये डिलीवर करेगा जो मुझे चाहिए, एंड आई एम ऑल सेट फॉर इट नाउ। हरिपुर में पकोड़ा आपको जा बजा मिलेंगे। आप जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जो कि पकोड़े बेच रही हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये तुर्की पकोड़े। मैंने पूछा तुर्की से क्या बात है, आप तुर्की में कभी रह के आए थे? देखी हो यूनिक चीज क्या है? नॉर्मल पकौड़े जैसे आपके होते हैं वो है, फ्रेंच फ्राइज आलू के साथ भी पकौड़े हैं, लेकिन टमाटर हरी मिर्च इनको फ्राई करके डालते हैं, अचार डालते हैं, और ये बंद गोभी है मज़ेदार, चाहे वो तुर्की को हो या हरिपुर के मिर्चों वाले, बहुत आला। ओए ओए पेट में आवाज़ें आ रही, भूख लग रही है, खा लो खा लो। छोटा सा शहर मसाला का बाईपास कर रहे थे, विस्की कहीं और जा रहे थे, तो सौ साइन चार सद्दा, मैंने कहा क्यों नहीं चार सद्दा जाएँ, क्योंकि चार सद्दा के बारे में सुना बहुत है, मशहूर जगह है अपनी चप्पलों के हवाले से, पिशावरी चप्पल मस्ट प्लेस जिसको आप विज़िट करें और चप्पलें देखें, हर रंग की हर साइज़ की डिफरेंट स्टाइल्स हैं इसके अंदर, शायद चाइना कट भी है, कट स्टाइल भी कहलाती है, खेड़ी भी है, और पता नहीं क्या क्या नाम है तो मैं भूल गया हूँ, रंग बहुत सारे हैं। कभी कभी रोड साइड पे इतनी अमेजिंग चीज़ें मिलती हैं आपको, स्पेशली आप अगर चाह रहे हो कि आप हेल्दी खाना चाहें, चने इज़ द बेस्ट, लेकिन जो चार सद्दा में मैंने चीज़ ट्राई की जो कि आपको पिशावर में मिलेगी, रोड साइड पे जगह जगह आपको लोबिया लोग बेचते हुए मिलेंगे, लोबिया चाट बहुत मज़ेदार चाट है, इसमें इमली का मज़ा है, लाल मिर्चे, ज़ीरा बड़े भुना हुआ ज़ीरा है जिसकी खुशबू अच्छी आ रही है, धनिया पिसा कुटा हुआ, और मेरे ख्याल में दही के अंदर ही इसको मिलाया हुआ है, इमली और आलू बुखारा, साथ में कुछ मसाले डाल दिए इन्होंने, क्या कहते हैं इसको, बंद गोभी और गाजर की, और थोड़ा सा अमेजिंग हेल्दी नथिंग लाइक दिस। क्या तो नहीं है राजमा हेल्थ के साथ टेस्ट भी मिल रहे तो और क्या, वैसे चने बोल रहा है भाई, राजमा लग रहे हैं, राजमा लग रहे हैं छोटे वाले। महमूद गजनवी मॉस्क ओडिग्राम is one of the oldest mosque in northern Pakistan. ये जगह ओडिग्राम के नाम से मशहूर है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे चढ़ाई पे एक मस्जिद है जिसको महमूद गजनवी ने तामीर करवाया। कहते हैं कि जब वो यहाँ आया, उनकी फौजें आईं, तो अपने भांजे को हुक्म दिया कि एक मस्जिद की तामीर की जाए। इसकी ख़ास बात यह है कि ये मस्जिद जिस जगह वाक़ है, यहाँ पे आपको बुद्धिज़्म की इबादत गाहें जैसे कि स्तूपा, वो भी यहाँ पे आपको उसके आसार मौजूद हैं, और अच्छी बात यह है कि उसके साथ उन्होंने मस्जिद बनाई है। दूसरे मजहब का एहतराम जो इस्लाम का हुक्म है वो यहाँ आके आपको महसूस होगा, जिस तरह यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ये जगह मेरे सामने है, ये बुद्धिस्ट की इबादतगाहें थी इनके यहाँ, बैशगाह थी, किचन भी था, और तमाम चीज़ें जहाँ पे इनकी लाइब्रेरी तमाम इस तरफ थी, और ये पूरा हॉल आप देख सकते हैं, मुझे लगता है कि बाद में एक्सटेंशन की गई है यहाँ पे, और इसको अलग से इन्होंने बनाया है। यहाँ पे बीच में हौज है वजू करने के लिए, और सामने क़िबला जहाँ पे इमाम बैठते थे वो जगह है, फिर दीवार के साथ जहाँ कुरान पढ़ने की जगह, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। इट्स अ क्लियर डिफरेंस, दो अलग इबादत गाहें लेकिन एक ही साथ साथ। कुशान दौर में बादशाह यहाँ पे सफ़ेद हाथी पे प्याला कशकोल लेके आया, जो कि बुद्धा का कशकोल था, यहाँ लेके आया, और इस जगह वो हाथी जैसे ही पहुँचा वो मर गया, तो उसकी याद में यहाँ पे ये पूरा स्तूपा बनाया गया है। हाथी की याद में इतना ऊंचा है। इन खूबसूरत मनाजिर और हसीन वादियों में घूमते हुए मुझे थकन का एहसास नहीं हो रहा, लेकिन एक बात का एहसास होने लगा कि यहाँ मेरी तलाश अधूरी ना रह जाए। फिर एक भाई ने मदद की और फोन पर जो आवाज़ सुनवाई वो कुछ अलग ही थी। आओ दीरो सने
इतना वक्त के मजे ले रहा है तेरे बच्चन की है यार क्या बोल रहा है मुझे लगता है कि मैं क्वार्टर्स में चले गए हैं और अकॉर्डियन स्ट्रिंग सेक्शन ला वेरी गुड वेरी गुड बस इनसे बोलेंगे मिल सकते हैं इनसे पता वता कहाँ है हेलो दी वही मंगता सर मिला भी घुसी सर किताब में बुदा पास ही दर्शु हो चलो जी हमें बुला रहे हैं पास ही है कहीं ज़्यादा दूर नहीं है सो आई एम श्योर ही इज़ गुड सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट प्यास के बारे में कहते हैं कि आप किसी नए शहर में जाएं तो पहले आप प्यास खा लें फिर आप कभी बीमार नहीं होंगे दैट्स अ सेइंग बाय द वे केपीकी में सबसे बेस्ट जो सूखी प्याज है यहाँ की होती है कहाँ जाता है प्यास लाहौर फैसलाबाद लाहौर भिंडी की सब्जी कराची पूरे पाकिस्तान में जाता है ये छुपाया हुआ क्यों प्याज अच्छा बेसिकली बता रहे हैं कि इसको प्याज को भूसे में रख देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो और फिर इसकी छटाई कर रहे हैं यहाँ पे और फिर बोरी में पैक होकर यहाँ से जा रही है हर खाने में आपके बेसिक में लहसुन अदरक और प्याज लाजिम है तो ये आई थिंक इससे बेहतरीन चीज़ आपको मिल नहीं सकती है सिंपल खाना ज़बरदस्त साग है और भिंडी टमाटर के साथ बात तो सिर्फ नान और प्याज खाते हैं उनका मील हो जाता है ये यहाँ पे रहते हैं हाँ जी खुशबू आ रही है بعد از خم داشنا دی شادگارم دیرو سلیم ابھی بھی سو کے اٹھے ہیں کہیں اور جگہ چل کے ان کے ساتھ کچھ گپ شپ بھی کرتے ہیں اور گانا بھی سنتے ہیں لائک ہز وائس نائس او دیرو سلیم نروان کے رو تیر شاہ بعد از خون داشنا دی شادگار کون سی لینگویج ہے وہ کمنٹ کر رہا ہے دیرو سلیم نروان کے رو تیر شاہ اس سے جگہ پہ گانا اپنے آپ نکل جائے تیرا نہیں نہیں اپنا بڑا نام کمایا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے مل گئے تو اب ان کو ہم لوگ ریکارڈ کریں گے ان کے ساتھ کام کریں گے اور آئی ایم ریلی ایکسائٹیڈ بیکاز آواز ملی ہے کراسنگ دیٹ پاتھ بڑی بہت خوبصورت آواز ہے ان کی آج کھانا مت لایا بھوک لگتی بھائی ڈپینڈ کیا جائے اور تو آئی تھاٹ کہ اس پہ ہم کوکنگ کریں گے کچھ ہری مرچیں ایک بڑی مزہ سی چٹنی بنائیں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا ہمیشہ یہ ایسے آگ جلاتا ہے نا نیچرل چیزوں سے اس لیے کھانا ٹیسٹی بنتا ہے باہر لہسن ایڈ لاٹس آف فلیور کسی بھی ریسیپی میں آئی تھنک لہسن جان ڈال دیتا ہے زبردست اس کا فائن پیسٹ بن گیا ہے اوکے جی نیچرل کا زیرہ اور ہلکا سا میں اس میں نیچرل کا آئیڈا سالٹ ڈبا بھی نیچرل کا کاش ہم لوگ ہمارے سامنے ایسا کھانا بنا رہا ہوتا ہم بھی ہیلپ کرتے اور ہم بھی کھاتے تھوڑا سا لیمو کا رس تھوڑا سا آلیو آئل کھانا بھی آلیو آئل چکن بریسٹ لے لیتے ہیں نارمل چکن بریسٹ ہے اس میں ہلکا سا آلیو آئل ڈال دیتا ہوں میں اوکے جی تھوڑا سا اچار گوشت مسالہ نیشنل کا اوکے جی تھوڑا سا لیمن جوس اس میں بھی ڈالیں گے یہ مسالے کو بس اوپر نیچے کر دیتے ہیں تاکہ ہلکا اچھی طرح سے مسالہ لگ جائے یہ تیار ہے
एक छोटी सी फ्लैट बेड बनाएंगे, लहसुन चाहिए, एक दो लाल कुटी मिर्चें डाल देते हैं इसके अंदर, और अगर आपके हरा धनिया है, मेरा हरा धनिया मेरे पास है इत्तेफाक से, तो इसकी ये जो नीचे का हिस्सा है ना इसकी, ये डाल देता हूँ मैं, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आ जाएगी। और मैं इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल देता हूँ, और ये बड़ा ज़बरदस्त फ्यूज ऑलिव ऑयल हो जाएगा आपका। आई थिंक ये गर्म है फर्स्ट क्लास, इसको मैं स्किन साइड डाउन, पत्थर के ऊपर आवाज़ आ रही है, शन की आवाज़ बता रही, मैं तैयार हूँ। अरे पहली बार देख रहा हूँ यार ऐसा पत्थर को वॉश किया। मीनवाइल वैसा आएगा तंदूर जैसा आएगा। अरे पत्थर पे खाना बनाना, और पत्थर है कितना मोटा है यार। अगेन जो आटा मैंने पत्थर गर्म हो जाता है उस पे, और बहुत गर्म होती है, लाल सेंस करके आवाज आ रही है। पक भी गया फिर रोटी भी। हां 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 लुक एट दिस कलर, नाइस हां। और ये ऑलिव ऑयल जो फ्यूज हुआ है गार्लिक और चिली के साथ, इसको सब ब्रश कर दे। मतलब ऐसा कि मतलब कुछ इक्विपमेंट ना हो ना सर, तो भी बना सके। पलट पलट के दो चार दफा गार्लिक ऑयल ऑलिव ऑयल के साथ फ्लेवर दे देते हैं। एक काम करते हैं इसी पे सर्व करते हैं। जबरदस्त सॉफ्ट मीट जूसी, यही भी चाहिए था। अच्छा जी सर्व करने के लिए हरी चटनी, हरी चटनी बनाई थी साथ में, ये चिकन का पीस, ये ब्रेड, भाई सारे मजे ले लेगा भाई, अकेले खाएगा क्या साथ नहीं जो ऐसा मत करना। जंगली चेरीज हैं मुझे मिली हैं, तो ये जंगली चेरी, आई एम गोना एंजॉय दिस। उम्मीद है कि आप भी रेसिपी पसंद आएगी। आई नो सो सी वाइल्ड है, बट गिव इट अ ट्राई। आपको पसंद आएगी मतलब क्या, आपने टेस्ट थोड़ी ना की करवाओ सिंगर आएंगे। कभी मेरा हो ना पाया, तुझको कई बार बुलाया, नैनों ने रास्ता बिछाया, तकता रहा अंधेर, उजाला बिना तुझे लाया। तो ये वीडियो हम लोगों ने देख लिया है, बहुत ज्यादा हम लोग को बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया। मैं मांसम खा सकता हूँ कि मेरे को ये देखने का बहुत भूख लगी है। भूख तो हमें भी लगी है, पेट में से। मेरे तो सही बताऊं कि ये वीडियो चल रहा था, वरना आप लोग आवाज सुन सकते थे, इतनी तेज आवाज आ रही है इसके पेट में, है ना। भूख तो हमें भी बहुत लग रही है, और यहाँ खुशबू भी आ रही है खाने की, शायद आज सुबह भी खाना बन रहा है। नीचे से आ रही है भाई, नीचे से आ रही है। नेशनल वाले कुछ तो भेज दो, मतलब कुछ अपने दो चार प्रोडक्ट वगैरह थोड़ा भेज दे। और भाई वो जो चिकन ब्रेस्ट और वो और दूसरी बात की दो सिंगर लोग को ढूंढा ना, उसमें भी एक को इंस्ट्रूमेंट बजाना, बहुत बढ़िया गाना गाता है। और ये कौन सी लैंग्वेज में गा रहे थे,
वो भी कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। तो अगर आप लोग को रिएक्शन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस संडे को हम लाइव आ रहे हैं 6:30 बजे, और आप देखना जरूर ना भूले। हम आप उस टाइम भी क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, वैसे अलग आपके लिए क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट आप यूट्यूब साइट पे जाके भी कर सकते हैं। उस दिन आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, शायद आपको अच्छा लगे। हम थोड़ा हमारे सिटी को भी दिखाएं आगे पीछे से, आप बोल सकते हो आप महोदय। मेरे भी ध्यान देता हूँ, उसको पता चले ना चल जाएगा। मैं तुमने तू खुद सोचेगा तुमने बोला क्या? मैंने बोला लाइव आएंगे, वीडियो एडिट किए जी यूट्यूब में जाइए, हम लाइव आएंगे संडे को, कोई भी क्वेश्चन पूछिए क्या ये। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी गाइस।